जब से फ्रेंड्स मैंने अपने चैनल पर एडिबल फोटो प्रिंट वाली केक की डेकोरेशन का वीडियो शेयर किया है, तभी से लगातार अब तक कमेंट आ रहे थे कि मैम हमारे घर के आसपास ऐसी कोई शॉप नहीं है जहां पर ये एडिबल प्रिंट हमें मिले। तो आज मैं एकदम सुपर डुपर ट्रिक आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जिसे हर कोई अपने घर से इस तरीके से ट्राई करके ये डिजाइनर केक बना सकता है। तो आज हम एनिवर्सरी का एक कपल केक बनाएंगे बहुत ही सुंदर तरीके से, सिंपल सी चीजों के साथ, लेकिन केक इतना डिजाइनर बनेगा कि आप देखते रह जाएंगे। तो यहाँ पर ना हमें बनाना है 1.5 केजी का केक। तो मैंने उसके हिसाब से 3 कप भर करके और 1/4 कप और प्रीमिक्स इसमें ऐड किया है। ग्राम्स का मेजरमेंट आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और जितना 1.5 केजी के लिए प्रीमिक्स चाहिए होता है ना फ्रेंड्स, मैंने उससे हल्का सा कम लिया है। वो इसलिए जब हमें पता होता है कि केक में हमारी क्रीम ज्यादा लगने वाली है, फोंडेंट यूज होने वाला है, तो हमें थोड़ा सा प्रीमिक्स को रोक करके चलना पड़ता है ताकि हमारा केक ओवरवेट या अंडरवेट ना रहे। अब फ्लेवर था बटर स्कॉच, तो यहाँ पर मैंने बटर स्कॉच फ्लेवर भी ऐड कर दिया। और यहाँ पर एक गलती हो गई, बट समय रहते मुझे याद आ गई। तो फ्लेवर डाल करके ना मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया। और फिर मैंने लिया 8 इंची का ये बर्तन, जिसमें मैं 1 केजी, 1.5 केजी, यहाँ तक कि 2 केजी के केक स्पॉन्ज भी रेडी कर लेती हूँ, क्योंकि इसकी हाइट अच्छी है। अब इसमें सेट करेंगे हमेशा की तरह ऑडी का इको बेक बेकिंग पेपर। ये मेरे पहले का यूज किया हुआ है, तो इसे भी साइड में रख देते हैं, ऑयल बटर लगाने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पर फ्रेंड्स मुझे बाद में ध्यान आया कि मैंने इसमें ऑयल नहीं डाला है, तो 3 टेबल स्पून मैंने इसमें ऑयल भी डाल दिया मेजरमेंट के हिसाब से। और फिर हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो बैटर हमारा रेडी हो गया है, बर्तन भी हमारा रेडी है। चलिए अब इसको केक टिन में ट्रांसफर कर देते हैं। जब भी आप किसी भी बर्तन में फ्रेंड्स अपना बैटर डाल रहे हो ना, ये ध्यान रखिएगा कि वो आधे मार्क से ज्यादा ना भरे, ताकि स्पॉन्ज को फूलने की स्पेस मिल जाए। मेरा तो ये बर्तन काफी अच्छी हाइट का है, तो इसीलिए मैं इसमें 2 केजी, 2.5 केजी तक के स्पॉन्ज बना लेती हूँ। अब हम इसे करेंगे बेक। बेक करने के लिए मैं यूज कर रही हूँ अपने अगारो का 25 लीटर OTG, जिसे मैंने पहले से ही प्रीहीट कर लिया 150 डिग्री पर। नीचे की रॉड्स ऑन करके मैं लगभग 45 मिनट के लिए इसे बेक करने के लिए छोड़ूंगी, क्योंकि स्पॉन्ज का मेजरमेंट कुछ ज्यादा है। और 45 मिनट में फ्रेंड्स मेरा केक स्पॉन्ज एकदम फर्स्ट क्लास रेडी हो गया। तो जब तक केक स्पॉन्ज ठंडा हो रहा है ना, हम इसकी क्रीम रेडी कर लेते हैं। तो आज मैं क्रीम को व्हिप करने के लिए ना अपना अगारो का स्टैंड मिक्सर यूज कर रही हूँ। और मेरे पैकेट में ना लगभग आधा डब्बा क्रीम थी, तो मैंने सारी ही डाल दी है। मशीन की बीटर वाली अटैचमेंट लगा दी है, और पहले लो स्पीड पर हम इसे व्हिप करेंगे 2 से 3 मिनट तक, और फिर धीरे धीरे इसकी स्पीड को बढ़ा देंगे। तो इस तरीके से फ्रेंड्स आप अपने काम के दौरान आराम से अपनी क्रीम व्हिप कर सकते हैं, और इसमें आपको पकड़ने की भी जरूरत नहीं होती, और क्रीम एकदम फर्स्ट क्लास आपकी रेडी हो जाएगी इस तरीके से। तो जब बड़े बड़े केक के ऑर्डर आते हैं ना फ्रेंड्स, तो ये मशीन बहुत हेल्प करती है। वैसे इसका डिटेल वीडियो ऑलरेडी मैंने चैनल पर डाला हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और अगर आप इसे परचेज करना चाहते हैं, तो इसका भी ऑनलाइन परचेज लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। क्रीम का टेक्सचर तो आप देख ही सकते हैं, बिल्कुल फर्स्ट क्लास रेडी हुई है। चलिए केक भी ठंडा हो चुका है, हम इसको डीमोल्ड कर लेते हैं। ये देखिए कितने आराम से हमारा स्पॉन्ज बाहर आ गया है। और अब हम इसकी टॉप लेयर को रिमूव करेंगे, और फिर इसकी 3 पतली पतली लेयर कट कर लेंगे। और कुछ लोग मेरे चैनल पर कमेंट कर रहे थे कि मैम हमारे केक की ना डोम शेप आ जाती है, मतलब ऊपर से वो ज्यादा फूल जाता है। तो ऐसी सूरत में आप क्या करें, जो भी आप बैटर बना रहे हैं ना केक का, उसको थोड़ा थिक बनाइए। आपका बैटर पतला है इसलिए डोम शेप आ रही है। और आज लेयर मैंने अपनी गड़बड़ी कर दी, कोई बात नहीं, मैनेज कर लेंगे। अब फ्रेंड्स इसका सॉस बनाएंगे। तो एक पैन में ना मैंने 1/2 कप चीनी डाल दी है कैरमलाइज करने के लिए। और इसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ अपने अगारो का ये पैन, जो हनी कॉम्ब वाला है, और इसमें बहुत ही बढ़िया आप और भी अपने काम कर सकते हैं किचन से रिलेटेड। और ये बिल्कुल भी जलता नहीं है, इसका बेस अच्छा मोटा है, जो गैस और इंडक्शन पर भी चलता है। इसका भी ऑनलाइन परचेज लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड है। तो सबसे पहले आपको धीमी आंच पर ना चीनी को एकदम मेल्ट करना है। ध्यान रखिए चीनी को इतना पकाना नहीं है कि वो डार्क ब्राउन कलर की हो जाए, पर जब ऐसा सुनहरा कलर आ जाए ना, उसी स्टेज पर आप इसमें 1 टेबल स्पून बटर ऐड कर दीजिएगा, और लगभग 1/4 कप आप इसमें व्हिपिंग क्रीम या अमूल की फ्रेश क्रीम ऐड कर दीजिएगा। अगर आपके घर में मलाई रखी है तो वो भी ऐड कर सकते हैं। और बस धीमी आँच पर इसे हिलाते रहिएगा, थोड़ी ही देर में आपका बटर स्कॉच का जो सॉस है वो रेडी हो जाएगा। बीच बीच में कुछ चीनी के चंक्स दिखें तो कोई बात नहीं, वो खाने में टेस्टी लगते हैं। और बस इसे ठंडा करके आप अपने केक की लेयरिंग में यूज कर सकते हैं। चलिए ये भी ठंडा हो गया है और हमारा सारा प्रिपरेशन रेडी है। अब इसकी आइसिंग करते हैं। तो यहाँ पर ना मैंने बोर्ड लिया है लगभग 10 इंची का, 2 इंच बड़ा लिया है, क्योंकि मुझे इस पर कुछ लिखना भी है। और मैंने एक केक की लेयर रखी है, आज लेयर्स थोड़ी घायल हो गई हैं तो मैनेज करना होगा। मैंने चीनी और पानी के मिक्सचर से मॉइस्ट कर लिया है उसको, और क्रीम में बहुत ध्यान से लगा रही हूँ ताकि केक ना क्रीम के साथ लगकर वापस ना आ जाए। और इसको अच्छे से इवनली स्प्रेड करेंगे। ध्यान रखिएगा नीचे की लेयर ही अच्छे से इवनली बढ़िया सेट होगी, तभी केक अच्छा फिनिशिंग वाला रेडी होगा, प्रॉपर शेप में होगा। तो ये काम बिल्कुल भी स्किप ना करें, बिल्कुल पेशेंस के साथ करें। तो ये क्रीम स्प्रेड हो गई है, और अब हम इसमें बटर स्कॉच का सॉस डालें। आप फ्रेंड्स मार्केट का सॉस भी बटर स्कॉच वाला यूज कर सकते हैं, फ्लेवर सम शॉप से मैंने मंगाया हुआ है, बट मेरा खत्म हो गया। अभी बैक टू बैक मेरे बटर स्कॉच के केक के ऑर्डर थे, तो एमरजेंसी में मैंने ये सॉस बना लिया, और ये भी काफी टेस्टी लगता है। अच्छे से स्प्रेड कर लिया है, अब दूसरी लेयर रखेंगे। और वैसे ही
इसकी आइसिंग करेंगे पहले मॉइस्ट क्रीम एंड क्रश एंड फाइनली जो बॉटम वाली लेयर है उसको फ्लिप करके टॉप में रखेंगे। और कुछ दिनों पहले ना फ्रेंड्स मैंने एक दो केक ऐसे शेयर किए थे जिसमें मैंने एडिबल फोटो प्रिंट यूज की थी, बट लगातार कमेंट आ रहे थे कि मैम ये शॉप कहाँ मिलेगी, हमारे आसपास तो नहीं है, तो हम ये एडिबल फोटो कहाँ से लाएं और इसे कितने दिन तक स्टोर कर सकते हैं। तो वैसे तो उसकी डिटेल जानकारी मैंने उन्हीं वीडियो में दी है, बट एडिबल फोटोज को ना बहुत पहले से लाकर नहीं रख सकते क्योंकि गर्मियों में वो मेल्ट हो जाती है, वो शुगर की होती है और कई जगह पर ये अवेलेबल भी नहीं होती। तो आज उसका एक बहुत ही इजी सा और सस्ता फॉर्मूला मैं आपको बताऊंगी जो कि आई एम श्योर हर कोई अपने केक में ट्राई कर सकता है। वो क्या है आगे जैसे जैसे वीडियो में बढ़ेंगे मैं आपको बताऊंगी, बट पहले इसकी आइसिंग अच्छे से कर लेते हैं। और एक जरूरी चीज आज आपके साथ शेयर करना चाहूंगी फ्रेंड्स, जो मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से सीखी है कि जब भी आप गर्मियों में इस तरीके से क्रश लगाएं, चाहे घर का क्रश हो या कोई पाइनएप्पल का क्रश हो, उसको लगाने के बाद ना थोड़ी सी क्रीम का स्पेचुला भी उस पर घुमा दीजिए। उससे क्या होता है, एकदम चिकनापन जो क्रश का होता है वो दब जाता है, ऊपर वाली लेयर आराम से स्टिक हो जाती है और वो फिसलती नहीं। अगर आप पास में केक दे रहे हैं तब तो ये चल जाएगा, बट गर्मी बहुत है, आपको केक कहीं लॉन्ग डिस्टेंस पे भेजना है ना, तो आपका केक जो है वो स्लिप कर सकता है, क्रीम मेल्ट हो सकती है और भी कुछ एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, तो ये बात का ध्यान रखिएगा। और सर्दियों में तो कोई घबराने की जरूरत है ही नहीं। तो यहाँ पर मैं थोड़ी थोड़ी क्रीम लेकर के इस केक की कर रही हूँ क्रम कोटिंग और फिर हम इसकी फाइनल आइसिंग करेंगे। इस तरीके से फ्रेंड्स देखिए हम आराम से छोटा बड़ा कैसा भी केक का ऑर्डर जो है उसको स्पेशल बना सकते हैं। अभी आप देखेंगे कितनी प्यारी इसकी डेकोरेशन हुई है। और यहाँ पर मैंने क्रम कोटिंग कर ली है, अब मैंने लिया है पाइपिंग बैग और उसमें क्रीम डाल दी है और इसकी फाइनल आइसिंग की तैयारी में है। आपने देखा फ्रेंड्स मैंने केक थोड़ा एक साइड में रखा है बोर्ड के, वो इसलिए इस पर मुझे कुछ राइटिंग का काम भी करना है। तो जब आपको ये पहले से पता हो ना तो आप केक की प्लेसमेंट बोर्ड पर इसी तरीके से कीजिएगा। और अब पैलेट नाइफ से मैं पहले ऊपर की क्रीम को स्मच करूंगी और फिर स्ट्रेट 90 डिग्री रख करके टर्न टेबल की मदद से मैं इसकी साइड की फिनिशिंग करूंगी। और चैनल पे कुछ कमेंट ऐसे आ रहे थे कि मैम जब आइसिंग करते हैं ना तो क्रीम का टेक्सचर फटाफटा लगता है, तो ऐसा तब होता है जब आप क्रीम को बहुत देर पहले ही व्हिप करके छोड़ देते हैं, वो ड्राई आउट हो जाती है, तो आप उसे स्पेचुला से स्मच कीजिए। अगर बहुत ड्राई लग रही है तो 2-4 बूंद पानी के डालिए और फिर अपना काम करना स्टार्ट कर दीजिए। बट हाँ, क्रीम को कभी भी ओवर व्हिप मत करिए वरना ऐसी प्रॉब्लम्स आती रहेंगी। अब यहाँ पर देखिए केक की अच्छे से फिनिशिंग मैंने कर दी है, टॉप की नहीं किए ज्यादा क्योंकि मुझे ब्रश की मदद से एक पैटर्न बनाना है राउंड वाला। और पैटर्न बनाने के बाद ना फ्रेंड्स मैं इस केक को फ्रिज में रखूंगी लगभग आधा घंटे के लिए क्योंकि मुझे थोड़ा सा दूर इस केक को भेजना है और ऐसा हमेशा आपको करना है स्पेशली गर्मियों में। अब मैं आपको फ्रेंड्स एक बहुत सुपर डुपर ट्रिक बताने वाली हूँ। बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था कि मैम हमारे आसपास ऐसी शॉप नहीं है जहाँ एडिबल फोटो प्रिंट मिलता हो। वैसे तो जहाँ केक मटेरियल मिलता है ना वो लोग करवा देते हैं, बट इन केस नहीं मिलता हो ना तो फोटो स्टेट की जो शॉप होती है या जहाँ पर फोटो वगैरह हम बनवाते हैं उस शॉप पर आप अपनी फोटो का साइज और शेप दे करके इस तरीके से जैसी फोटो होती है वैसा प्रिंट ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 4 इंची और 3 इंची का एक साथ एक पेपर पर करवाया था क्योंकि मुझे अंदाज नहीं था मेरे केक पर किस साइज का ये जाएगा। तो यहाँ पर 4 इंची का ये जो टॉपर था ना इसको मैंने कट कर लिया है और अपने केक के सेंटर में प्लेस कर दिया है। और जो दूसरा वाला है ना वो मैं किसी और ऑर्डर में पूरा कर लूंगी। और ये जो पूरा पेपर था जिसमें 2 प्रिंट थे वो 60 रुपीज में मेरे पास वाली शॉप ने भैया ने मुझे करके दिए थे। चलिए अब इसकी क्रीम रेडी करते हैं। तो आज जो कपल टॉपर लगाया है ना हमने, उस लेडी की अब हम गाउन बनाएंगे बहुत ही सुंदर तरीके से। तो यहाँ पर जब मैंने क्रीम में कलर डाला ना फ्रेंड्स तो वो क्रीम थी कम, मुझे वैसे ऑलरेडी पता था क्योंकि 500 ml के करीब क्रीम थी और ये केक था 1.5 kg का। तो फिर से मैंने एक बाउल लिया, क्रीम ली और व्हिप करके अपना काम आगे किया। तो जो क्रीम में कलर मिलाया था ना उसी में मैंने ये व्हिप की हुई और क्रीम डाल दी, अच्छे से मिक्स कर लिया। तो मेरा ये प्रॉपर जो गाउन का शेड था मुझे चाहिए वो रेडी हो गया। मिक्स करने के बाद इसको पाइपिंग बैग में भरेंगे और लगाएंगे R11 नोजल। और जो कपल का टॉपर हमने सेंटर में लगाया है ना तो लेडी की एक मार्किंग करते हुए हम उसका गाउन बनाएंगे, जैसे फैला हुआ गाउन होता है बिल्कुल वैसे ही। तो मोटा वाला एंड जो होता है ना, जो चौड़ा होता है खुला नोजल का, वो नीचे की तरफ रखेंगे, पतला वाला एंड जो है वो ऊपर की तरफ रखेंगे और बस इस तरीके से हल्का हल्का शेक करते हुए हम यू बनाएंगे। तो आप देख रहे हैं कि प्यारी फ्रिल बन रही है, ये देखिए बहुत ज्यादा स्पेस नहीं लेंगे, मैंने थोड़ा सा गैप लिया है और फिर सेकेंड लाइन बना रही हूँ। सेकेंड लाइन थोड़ी नीचे वाली लाइन से कम होती जाएगी, जैसे गाउन की शेप होती है ना नीचे से ज्यादा होती है और ऊपर कम होती हुई जाती है, बिल्कुल वैसे ही। बट वाइब्रेशन देते जाइएगा जिससे कि लेयर बहुत ही प्यारी आएगी। देखिए फ्रिल कितनी प्यारी आ रही है, कोई सोचेगा कि हमने किसी स्पेशल से नोजल को यूज किया है, बट हमने रोज पेटल वाला जो नोजल होता है ना वही यूज किया है। तो लगातार आप इसी तरीके से फ्रिल बनाते जाइएगा और कम करते जाइएगा स्पेस को, ताकि जब आप टॉप में पहुंचे ना तो लेडी का जो गाउन है जो फोटो प्रिंट में बना हुआ है आप उसमें मर्ज कर दें इसे। इस तरीके से फ्रेंड्स कर्व पर भी आपको यही काम करना है और धीरे धीरे बस इसको करते जाइएगा, पैटर्न एक ही फॉलो करिएगा, हाथ का जो मूवमेंट है वो भी एक ही रखिएगा ताकि गाउन जो है वो और भी ज्यादा सुंदर लगे। अदरवाइज अगर आपने कहीं वाइब्रेशन नहीं दिया तो वो फिर उसकी लुक अच्छी नहीं आएगी।
धीरे धीरे देखिए पेशेंस के साथ मैं काम कर रही हूँ, क्योंकि केक का मेन पार्ट है ये थोड़ा भी इधर उधर हो गया तो फिर फिनिशिंग अच्छी नहीं आएगी। तो धीरे धीरे ये देखिए सारा काम मैंने कर लिया है और अब टॉप में मुझे लगा कि एक छोटी सी फ्रिल मुझे बनानी चाहिए, तो वो भी मैंने बना दी है। ये देखिए अब फ्रेंड्स मैंने एक पाइपिंग बैग में ना क्रीम भरी और उसका एक छोटा सा छेक कट किया, और जो लेडी की ड्रेस है ना ऊपर की उसमें मैं डॉट डॉट कर करके इसको भर दूंगी। इस तरीके से जहां भी व्हाइट पार्ट दिख रहा है ना ड्रेस का उसको हम पिंक कर देंगे, क्योंकि हमारी ड्रेस जो है वो कंटिन्यूटी में ऐसे ही चलेगी। तो यहाँ पर मैंने तो जो शेड यूज किया है ना फ्रेंड्स, आप चाहें तो येलो पिंक जो भी कलर यूज करना चाहें कर सकते हैं, ये केक सभी कलर्स में सुंदर लगता है। थोड़ी सी मैंने इसकी कमर पर बेल्ट वाली फ्रिल भी बना दी है, और इसकी जो हेयर एसेसरीज है ना वहां पर भी मैं इसी कलर की क्रीम से इस तरीके से डॉट डॉट या नूडल वाला डिजाइन बना दूंगी, जिससे कि हमारी ड्रेस ओवरऑल एक ही जैसी लगेगी और थोड़ी सी 3D लुक में आएगी। ये देखिए अब यहाँ पर जहां पे मुझे लग रहा है ना मैं डॉट डॉट करके फिर से उसे कंप्लीट कर देती हूँ, फाइनल रेडी कर देती हूँ। अब फ्रेंड्स यहाँ पर जो बॉर्डर है ना वहां पर आप चाहें तो पर्ल वाला बॉर्डर बना सकते हैं या नहीं भी बनाएंगे तो चलेगा, बट मेरे हाथ में था पाइपिंग बैग और उसमें छेक भी छोटा सा था, तो मैंने सोचा नूडल वाला डिजाइन नीचे की तरफ इस तरीके से बना देती हूँ। हर बार पर्ल वाला बॉर्डर भी अच्छा नहीं लगता, सभी बोर भी हो जाते हैं, तो ये कुछ नया मैंने ट्राई किया है और सच में बहुत अच्छा लगा, फाइनल लुक देखेगा इसकी। तो बस गाउन वाले पार्ट को छोड़कर हमने चारों तरफ ये कर लिया। अब फ्रेंड्स मुझे इसके लिए दो रोजेस बनाने थे सेम इसी कलर की क्रीम से, तो मैंने लिया है ये नूर का 11 नोजल जो सबसे छोटे साइज के रोजेस बनाता है, और फ्लावर नेल ली है। इसके ऊपर पहले एक छोटा सा बेस बनाएंगे, बट बनाएंगे और फिर उल्टा यू बनाते बनाते रोज बना लेंगे। और यहाँ पर ध्यान नहीं दिया फ्रेंड्स, शायद कैमरा ब्लर कर रहा था, आपको क्लियरली दिख नहीं रहा होगा, बट एक दूसरा रोज भी बनाऊंगी आप वहां देख लीजिएगा। और रोज बनाने का मेथड तो मैं कई बार अपने चैनल पर शेयर कर चुकी हूँ, उम्मीद करती हूँ सभी को आ गया होगा, नहीं तो मैं इसका शॉर्ट्स भी डाल दूंगी। ये देखिए इतना बढ़िया रोज बन गया, मुझे ज्यादा बड़ा नहीं चाहिए क्योंकि मेरे केक में उतनी स्पेस नहीं है, और मैं इसे अब सीजर की मदद से यहाँ टॉप में प्लेस करने वाली हूँ। तो बहुत ही ध्यान से कीजिएगा, बहुत ज्यादा किनारा भी मत लीजिएगा नहीं तो फ्लावर उधर साइड में गिर जाएगा। ये देखिए अब ऐसे ही एक और फ्लावर बनाऊंगी, और दो फ्लावर का मुझे रखना है यहाँ, सोचा है मैंने डिजाइन इस तरीके से। तो आप जिस भी कलर का ड्रेस बना रहे हैं ना उसी से फिर फ्लावर वगैरह बनाइएगा। और जब मैंने ये बना दिया ना फ्रेंड्स, मुझे ऐसा लगा कि इसमें कुछ कमी है, कुछ गोल्डन या कुछ ऐसा सेलिब्रेशन टाइप मुझे इसमें कलर डालना चाहिए, क्योंकि उनकी 10th एनिवर्सरी के लिए मैं केक बना रही थी। और जब केक से रिलेटेड फ्रेंड्स ऐसा कोई व्यू या थॉट मेरे मन में आता है ना, तो मैं इसे करती जरूर हूँ, फिर मैं बजट वगैरह नहीं देखती। तो यहाँ पर मैंने रोज का मोल्ड लिया है गोल्डन फॉन्डेंट ब्लॉसम कंपनी का, और ये सारा सामान मैंने मंगाया है फ्लेवरसम शॉप से, नंबर स्क्रीन पर है, आप चाहें तो मंगवा सकते हैं। और रोज इतने आराम से इस पर बन जाता है ना, छाप आ जाती है बेसिकली, और फिर हम पिज्जा कटर से एक्स्ट्रा फॉन्डेंट कट कर देंगे। अदरवाइज आप नॉर्मली पेटल वाला रोज बनाते तो कितना टाइम लगता, बट इससे आप झटपट अपने रोज बना सकते हैं और ये बिल्कुल 3D लुक देते हैं। तो यहाँ पर मैंने 3-4 रोजेस बनाए हैं अपने केक के डेकोरेशन के हिसाब से, और अब मैंने केक के जो फ्लावर्स बनाए ना उनके आसपास प्लेस कर दूंगी। तो एक क्रीम का स्पॉट भी लग गया था, वो भी इससे छुप गया, और केक भी थोड़ा सा और अच्छा सा मतलब रॉयल लगने लगा। अब इनको बनाने के बाद फ्रेंड सब चीज हो गई है, थोड़ा सा ग्रीन कलर डालना होगा, तो मैंने हल्की सी क्रीम में ग्रीन कलर डाला पाइपिंग बैग में ही, उसमें उल्टा भी कट दिया, और बस इन रोजेस के आसपास मैंने ये पत्ते बना दिए। और अभी ना मैं इस पर ग्लिटर भी डालने वाली हूँ फ्रेंड्स, जो एडिबल वाला शिमर होता है वो, उससे देखिएगा कितनी गजब की लुक आएगी। तो यहाँ पर हमारा केक ऑलमोस्ट रेडी होने के कगार पर आ गया है, बट अभी इसके जो व्हाइट सरफेस दिख रहा है ना प्लेन, वहां पर भी हम कुछ डेकोरेशन करेंगे, तो अभी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा एंड तक। ये लीजिए पत्ते भी बना दिए हमने, और सामने की तरफ ना फ्लावर कुछ ऐसे ही दिख रहे थे, तो मैंने इस तरीके से पत्ते ना नीचे से निकलते हुए फ्लावर्स पर चढ़ा दिए, तो बहुत ही अच्छी सी एक ओरिजिनल लुक आने लगी। ये देखिए अब नीचे जो नूडल वाली बेल बनाई थी ना फ्रेंड्स, वहां पर भी मैंने थोड़े थोड़े गैप में लगभग 1.5 इंची के गैप में ना पत्ते बना दिए, और सच में इससे बहुत ही प्यारा बॉर्डर लगने लगा। मतलब ऊपर तो अच्छा लग ही रहा था, साइड से भी लग रहा था, नीचे बेस में भी हमने बॉर्डर कुछ अलग सा ट्राई किया है। अब जो हमारा ये व्हाइट पार्ट दिख रहा है ना केक का, उसको भी थोड़ा सा डेकोरेट करते हैं। तो मेरे पास छोटे बड़े मीडियम साइज के ना एडिबल पर्ल्स हैं, और ये जो स्प्रिंकल है ना फ्रेंड्स, इन्हें खा सकते हैं आप, और ये बहुत ही सुंदर सुंदर कलर्स में मिलते हैं। मैं तो फ्लेवरसम शॉप से मंगवाती हूँ, आप चाहें तो मंगवा सकते हैं, छोटी बड़ी क्वांटिटी जैसे भी चाहें आप ले सकते हैं, बट केक में ना ये सच में जान डाल देते हैं, केक बहुत ही ज्यादा डिजाइनर लगता है इनसे। यहाँ पर मैंने छोटे बड़े साइज के ना कुछ डाल दिए हैं, और साइड में भी मैं सबसे छोटू वाला जो 0 साइज का स्प्रिंकल होता है व्हाइट, वो भी स्प्रिंकल करने वाली हूँ, तब देखेगा फाइनल केक की लुक। तो यहाँ पर मैंने सारे स्प्रिंकल डाल दिए हैं, अब मुझे नहीं लगता स्पेस बाकी है, हर तरीके से मैंने डाल दिए हैं, और अब साइड में थोड़े थोड़े ये छोटू वाले डाल देते हैं। गाउन पर आपको नहीं डालना है, केवल केक के व्हाइट पार्ट पर ही आपको इन्हें स्प्रिंकल करना है। और अब फ्रेंड्स मैंने लिया है गोल्डन लश्कर डस्ट का स्प्रे, और इसकी ड्रेस पर, इनकी जितनी भी एसेसरीज हमने लगाई है ना उन पर मैं स्प्रे करूंगी, तो उसकी जो ड्रेस है ना वो चमकने लगेगी, और आप फाइनल लुक देखेंगे ना तो आपको और अच्छी लगेगी।
और अब मैंने जैसे ये स्प्रे कर दिया ना फ्रेंड्स, इसकी ड्रेस की लुक आप देखिए, पहले केक कितना सिंपल सा लग रहा था और अभी देखिए चमक वमक सब आ गई है, तो कितना बढ़िया लग रहा है। और मेरे पास ना ये शिमर केक का जो शिमर होता है एडिबल वो है, थोड़ा सा ड्रेस पर स्प्रिंकल कर देती हूँ, थोड़े रोजेस पर डाल देती हूँ ना, उससे और भी गजब की लुक आएगी। बट मैं यही कहूंगी कि ये ज्यादा चीजें यूज ना ही करें क्योंकि ये इतनी ठीक नहीं होती सेहत के लिए, बट हल्का फुल्का कहीं कहीं पर आप कर सकते हैं। ये देखिए मैंने हेयर की एसेसरीज पर भी डाल दिया, रोज पर भी डाल दिया है, और रोज को पास से दिखाती हूँ आपको कितनी गजब की लुक आ रही है फ्रेंड्स। सच में रोज एकदम ऐसा लग रहा है जैसे प्लास्टिक का ये वो जो मार्केट में हम आते हैं ना घर में डेकोरेट करते हैं वैसा। तो पूरा केक ऑलमोस्ट रेडी हो गया है और इस तरीके से आप भी अपना केक बना सकते हैं। अभी वेट करके भी दिखाऊंगी कि पूरे मेजरमेंट से हमने जो बनाया है वो कितना रेडी हुआ है। बट पास से ना आप इसकी लुक देखिए फ्रेंड्स, एक एक चीज मैं आपको दिखा रही हूँ ताकि आपको अंदाजा हो जाए कि कितने सिंपल तरीके से भी ऐसे डिजाइनर केक बन सकते हैं और आप भी इन्हें घर में आराम से अपने हाथों से बना सकते हैं। चलिए अब इसका वेट कर लेते हैं। तो केक का ऑर्डर 1.5 केजी का था, तो यहाँ पर हम देखते हैं। वैसे ऑलमोस्ट मेरा केक हमेशा मैं एक्स्ट्रा ही देती हूँ अपने कस्टमर को, और आज भी उम्मीद तो ऐसी ही है कि ये केक 1.5 केजी से हल्का फुल्का ऊपर ही है। तो यहाँ पर ये लगभग 1645 का रेडी हुआ है, तो एकदम परफेक्ट है। और इस तरीके के केक को फ्रेंड्स जो कि 1.5 केजी का है, हल्का सा फॉन्डेंट है और डेकोरेशन आप देख ही सकते हैं, तो आप 1300 से 1400 रुपीज चार्ज कर सकते हैं। बट डिपेंड करता है आपके आसपास की बेकरीज में क्या प्राइस चल रहे हैं, और हाँ अगर आप दूर भेज रहे हैं तो उसका डिलीवरी का चार्ज भी एक्स्ट्रा होगा। तो जब मेरा केक बन गया फ्रेंड्स, टाइम भी हो चुका है, तो मैंने बड़ा बॉक्स लिया है, 10 इंची का ये बॉक्स है। जिस साइज का हमें बोर्ड लेना है उसी साइज का बॉक्स लेना है, और इस तरीके से मैंने इसे पैक कर दिया। टॉपर मैंने केक पर नहीं लगाया, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि कहाँ लगाऊं, तो मैंने ऊपर नाइफ के साथ वो रख करके दे दिया। और जैसे ही मैंने पैक कर दिया ना फ्रेंड्स, कस्टमर का मैसेज आया कि आप इस पर हैप्पी 10th एनिवर्सरी भी लिख दीजिएगा, तो वो भी मैंने फिर चॉकलेट जेल से इसके ऊपर लिखी। बट उसका वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि जल्दबाजी हो रही थी, टाइम हो गया था ऑलमोस्ट देने का। तो उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स इस वीडियो के थ्रू काफी लोगों की प्रॉब्लम आज सॉल्व हो गई होगी, जिनके आसपास एडिबल फोटो प्रिंट वाली वो शॉप नहीं है। वैसे जिनके पास है वो लोग वो भी ट्राई कर सकते हैं, और ये मेथड तो मैंने सिखाई दिया है। तो वीडियो पसंद आई है फ्रेंड्स तो लाइक शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट किसी और नए इंटरेस्टिंग वीडियो या डेकोरेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप ट्राइंग एंड कीप बेकिंग।